अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित नशीली दवाओं का कारोबार करने वाले एक अभियुक्त को एसटीएफ गोरखपुर की इकाई ने किया गिरफ्तार। 2700 प्रतिबंधित नशीला इंजेक्शन, एक कार, 3 मोबाइल, 150 रुपए नकद किया बरामद, भेजा जेल। विजय दिवस पर वीर अमर शहीदों के समाधि स्थल पर पूर्व सैनिकों ने पुष्पगुच्छ रखकर दी वीर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि। कहा, 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के कारण 16 दिसंबर को मनाया जाता है विजय दिवस। जीत के साथ ही पूर्वी पाकिस्तान आजाद होकर बना बांग्लादेश। महायोजना 2031 पर आई आपत्तियों की जीडीओ उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तोमर ने की सुनवाई। कहा, कुल 11,500 आई थी आपत्तियां, सभी की हो चुकी है सुनवाई। बचे लोग सोमवार को आकर प्रेक्षागृह में बता सकते हैं अपनी समस्या। नगर निगम चुनाव के दृष्टिगत भाजपा के महानगर वार्ड के चुनाव प्रभारी व चुनाव संयोजक की संयुक्त बैठक हुई संपन्न। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, सीएम योगी की धरती पर उनका मान सम्मान बढ़ाना हर भाजपा कार्यकर्ता की है जिम्मेदारी। भाजपा कार्यकर्ताओं को नगरीय निकाय चुनाव में ऐतिहासिक जीत दिलाकर कायम करना चाहिए मिसाल। खिचड़ी मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए ट्रैफिक विभाग की तैयारी हुई पूरी। एसपी ट्रैफिक ने कहा, श्रद्धालुओं के वाहनों की पार्किंग के लिए 14 स्थानों पर बनाया जा रहा है पार्किंग। बाहर से शहर में आने वाले वाहनों का किया जाएगा रूट डायवर्जन। विजय दिवस पर दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वारा व्याख्यान का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि कर्नल बीपी शाही ने कहा, चुनौती मिलने पर शत्रु को पराजित करने की क्षमता रखने वाली सेना ही होती है सशक्त। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी द्वारा आयोजित 4 दिवसीय ललित कला महोत्सव का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गोरक्ष प्रांत के प्रचारक सुभाष जी ने दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ। कहा, साध्य के लिए साधन नहीं, साधना व संकल्प है अनिवार्य। भारत नेपाल मैत्री समाज व वीर सेनानी कल्याण संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में अमर शहीद लेफ्टिनेंट गौतम गुरुंग की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर मनाया गया भारतीय सेना का पराक्रम विजय दिवस। कहा, आज ही के दिन 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण के लिए बाध्य कर भारतीय सेना ने कराया बांग्लादेश का उदय। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के 7 मार्च में क्रूज को रामगढ़ ताल में उतारने की जीडीए कर रहा है तैयारी। जीडीए उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने दी जानकारी। और विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति व अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के संयुक्त तत्वावधान में 29 दिसंबर से प्रारंभ होगा श्री राम शौर्य कथा तथा श्री लक्ष्मी विष्णु महाहवन यज्ञ। कहा, 5वीं बार बनेगा विश्व रिकॉर्ड, गोरखपुर का नाम विश्व इतिहास में होगा रोशन।